आरएस मेंस परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार धरने प्रदर्शन कर परीक्षा को पोस्टपोन करवाने की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी समर्थित विधायकों से समर्थन मांग कर सीएम मदन लाल शर्मा तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। रविवार 31 दिसंबर को प्रदेश के विभिन्न अंचलों से जयपुर पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने ओटीएस में सीएम मदन लाल शर्मा को ज्ञापन देकर आरएस परीक्षा को आगे करवाने की मांग भी की थी। इस पर सीएम ने एक बार तो अभ्यर्थियों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देकर राजी जरूर कर दिया, किंतु मामला अभी तक भी जस का तसी पड़ा हुआ है। ऐसे में अब आरपीएससी ने 27 और 28 जनवरी को परीक्षा की तिथि फिक्स कर वापस अभ्यर्थियों की टेंशन एक बार और बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थियों के पास कोई चारा नहीं बचा है सिवाय इसके कि सरकार से वे मांग करें और या अंत में तय तिथि पर एग्जाम दे। किंतु मसला यहीं खत्म नहीं होता। छात्रों का कहना है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए थे। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के नेता रामलाल शर्मा, राजेंद्र राठौड़, किरोड़लाल मीणा और तो और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा था। ऐसे में छात्रों की सुनने वाला अब कोई नहीं है, क्योंकि सत्ता में आते ही बीजेपी नेताओं को तो जैसे इस मसले को लेकर सांप सूंघ गया हो। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों ने करीब प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों से मिलकर आरएस मेंस परीक्षा को आगे करवाने के लिए लेटर भी लिया है। विधायकों ने सीएम को भी इसको लेकर पत्र लिखे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तारीख को लेकर प्रदेश की डबल इंजन भजनलाल सरकार क्या फैसला लेती है। इस पूरे मसले को लेकर आरपीएससी एक बार फिर विवादों में घिर गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एग्जाम यूपीएससी की तर्ज पर ही करवाएं। सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल के सामने आ रही है कि उस समय बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे करे थे चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी को भंग कर देंगे, क्योंकि आरपीएससी पे इससे पहले भी पेपर लीक को लेकर बहुत सारे आरोप हजारों बार लग चुके हैं। आरएस को लेकर भी बहुत आरोप लगे आरपीएससी के ऊपर। जब सीपी जोशी जी ने खुद ने कहा कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे, सुधार करेंगे, चलो हम भंग करने की मांग नहीं करते, लेकिन कम से कम आप आरपीएससी में कोई सुधार तो करिए, उसके बाद परीक्षा कराइए। आज आप आरएस मेंस की परीक्षा करा रहे हो आनन फानन में। अगर ये एग्जाम होती है और इसका पेपर लीक हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? तो सब ये छात्रों ने यहाँ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि इनको एग्जाम में बैठने के लिए और समय दिया जाए, जिससे इनकी तैयारी भी हो सके और सरकार आरपीएससी में सुधार भी कर सके। जब पेपर हो तो पूरी ईमानदारी से हो, पारदर्शिता से हो। जिस प्रकार यूपीएससी तय समय पूर्व कैलेंडर जारी करता है, वैसे ही आरपीएससी भी निर्धारित तय समय पूर्व ही अपना कैलेंडर जारी करे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि हर बार सिलेबस में कोई ना कोई नई चीज जोड़ दी जाती है और बिना किसी सूचना की कुछ ना कुछ हटा दिया जाता है। ऐसे में इतने से समय पर छात्र अपडेट नहीं रह पाते। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मेंस परीक्षा के लिए मात्र 3 महीनों का ही समय दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूट सा गया है। प्रशासन को कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और हमने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आने वाले लोगों को लगे कि संख्या कम थी, परंतु मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब राम सीता को लेने वो जा रहे थे लंका तो वो गिलहरी सा सेवक भी था। तो ये अगर गिलहरी सा सेवक हो सकता है, पर उस बात का ध्यान रखे कि अगर गिलहरी सा सेवक आगे जाएगा तो हमारी जो सरकार है, प्रदेश की सरकार, प्रदेश की झुकेगी और मुझे लगता है आरएस की जो पोस्टमैन करने की जो मांग है हमारी, वो मांग पूरी होते हुए नजर आएंगी। पर एक बार मैं पूछना चाहूंगा, जब पिछले सरकार में लगभग सभी बार पेपर लीक हुए, कौन सा सरकारी तंत्र था? वह तंत्र लीक करने वाला वही था ना, तो वही तंत्र सरकार बदलने के बाद भी क्यों है? तो उस तंत्र को बदला जाए और सभी परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से कराया जाए और किसी प्रकार में युवाओं के साथ गलत ना किया जाए, ये हमारी मांग है और शांतिपूर्ण तरीके से हम सारे कार्य करें। पहली बात तो इस एग्जाम में मात्र 3 महीने का समय दिया गया है जो कि जायज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रिंटिंग प्रेस संदिग्ध है, पिछली सरकार में पेपर लीक हुए हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, तो सर ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, ठीक है? तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो कुछ हो सकता है, सर कुछ गुट हो सकते हैं जो एग्जाम टाइम पे भी चाहते होंगे, लेकिन सर जो एक मेजोरिटी गुट है ना, वो यही चाहता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो। और तो सर हमारी यही मांग है कि एग्जाम को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने किया जाए और 3 महीने का समय हमें अतिरिक्त दिया जाए, तो ये हमारी सर प्रमुख मांग है। ये सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये 3 महीने का जो समय दिया है ना, ये बहुत ही कम है, और क्योंकि मतलब बाकी का जो कांग्रेस सरकार ने ये 3 महीने का समय दिया ये कम है, और जो बीजेपी सरकार है वो पहले भी कहीं ना कहीं ये किरोड़ी लाल जी है और ये मुद्दा बना रहे थे कि भाई समय अधिक दिया जाए, अगर इनकी सरकार नहीं आती तो ये जरूर धरने पर बैठते। छात्रों की मांग है कि मेंस एग्जाम को लेकर आयोग ने बहुत ही कम समय दिया है, लिहाजा तारीख को आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि आरएएस की प्री एग्जाम 1 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। मेंस परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 19,348 अभ्यर्थियों को चुना गया था। मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरपीएससी अध्यक्ष द्वारा यह बयान दिया गया कि यह कोचिंग संस्थाओं द्वारा चलाया गया एक एजेंडा है तथा मांग करने वाले अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है।
इस टिप्पणी का विरोध करते हुए सोमवार को पुनः महिला अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरण लाल मीणा से मुलाकात की। महिला अभ्यर्थियों ने अपना प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट उनको दिखाया तथा बताया कि हम राज्य के अलग अलग हिस्सों से अपना घर परिवार बच्चों को छोड़कर राजस्थान की संवेदनशील सरकार के समक्ष अपनी मांग रखने आई थी, परंतु इस पर ऐसी प्रतिक्रिया मिलना महिलाओं के प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। हमारी मांग को कोचिंग संस्थान की मांग बोलकर हमारी छवि कोचिंग माफिया एवं पोस्टपोन गैंग के रूप में प्रस्तुत करना बीजेपी सरकार के महिला सम्मान वाले शासन के विरुद्ध है। साथ ही अभ्यर्थियों ने यह भी पूछा कि इस परीक्षा को इतनी जल्दी करवाने के पीछे आरपीएससी का कौन सा निजी स्वार्थ निहित है। आयोग लगातार हमारी मांग को गलत मांग क्यों साबित करना चाहता है। अपनी बात सरकार से मनवाने तथा अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए आयोग कभी संवैधानिक संस्थान, कभी यूपीएससी की तर्ज तो कभी कोचिंग माफिया जैसे टैग की ओट ले रहा है। पिछली सरकार के समय फरवरी 2022 में मांग करने वाली महिला अभ्यर्थियों की जब तत्कालीन सरकार ने अनदेखी की तब वर्तमान मंत्री किरण लाल मीणा ने यह टिप्पणी की थी कि सरकार की संवेदनशीलता मर चुकी है, जिसे रोती बिलखती बेटियां नहीं दिख रही है। ऐसे में वर्तमान में लगातार महिला अभ्यर्थी बार बार अपनी मांग को लेकर दर दर भटक रही हैं, तो खून से पत्थर भी लिख रही हैं। हजारों अभ्यर्थियों ने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मार्कशीट साझा करके पोस्टपोन की मांग की है। इस विषय में सोमवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरण लाल मीणा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की, किंतु अभी तक इस विषय में सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसे में अब भी परीक्षार्थियों और अभ्यर्थियों की सरकार से उम्मीदें हैं कि सरकार चुनाव में किए गए वादों को पूर्ण करेगी। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह होगी कि क्या भजनलाल सरकार छात्रों के हित में फैसला लेकर परीक्षा को आगे करवाती है या आयोग द्वारा जारी तय तिथि पर ही आयोजित होती है। नगरी मीडिया के लिए संदीप अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट।